हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं नए एनएफओ की, जो दिसंबर के महीने में आ रहा है, एक्सिस स्पेशल सिचुएशंस फंड। तो इस एनएफओ से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे हम आपको, बताएंगे कि ये स्पेशल सिचुएशंस कौन सी है जिसे ये फंड टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, फंड कौन सी अपॉर्चुनिटी और जो पोटेंशियल है जिसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, और वही स्टॉक्स वो लेने वाला है वो हम बताएंगे, फंड के बारे में आपको हम बताएंगे, और कौन से ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्हें इस फंड में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। तो ये सब चीजें आपको इस वीडियो में हम दोस्तों बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जो स्पेशल सिचुएशंस जो होती है वो लॉन्ग टर्म की हो सकती है, मीडियम टर्म की हो सकती है, शॉर्ट टर्म की हो सकती है। अब जब भी कोई स्पेशल सिचुएशन आती है, समझ लीजिए लॉन्ग टर्म में, जैसे हमको जियो का नाम याद आता है, 4 साल पहले जब जियो आया था तो उन्होंने पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक तरीके से डिसरप्शन कर दिया था। बहुत सारे टेलीकॉम प्लेयर्स बिल्कुल बाहर ही हो गए, फिर कुछ टेलीकॉम प्लेयर्स की मर्जिंग हो गई, और उन्होंने फ्री में चूंकि डेटा देना शुरू हुआ था तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गया। और आप 4 साल में रिलायंस का, जो उनका पेरेंट है रिलायंस जियो का, आप उसका रिटर्न देखिए, बहुत ही अच्छा रिटर्न भी उन्होंने दिया है। तो ये सब कुछ स्पेशल सिचुएशंस होती है जो आप समझ सकते हैं, मीडियम टर्म के लिए भी होती है। आप फूड टेक्नोलॉजी में देख सकते हैं, या एजुकेशन टेक्नोलॉजीज में बाइजूस जैसे हैं, खैर ये सब लिस्टेड नाम नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये लोग डिसरप्ट कर रहे हैं, पूरे सेक्टर को एक तरीके से चेंज कर दे रहे हैं। शॉर्ट टर्म में भी आप सोच सकते हैं, समझ लीजिए कोई कंपनी बाईबैक देने जा रही है, या कोई ऐसा कुछ हिंट है कि जिसकी वजह से कोई इवेंट हो सकती है जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में अच्छा खासा वो बढ़ सके, जिसकी एक अंदेशा लगा सकता है फंड मैनेजर। तो ये सब चीजों के कारण जो स्टॉक का प्राइस है वो बढ़ सकता है। तो ये सब कुछ स्पेशल सिचुएशंस के एग्जाम्पल है। तो स्पेशल सिचुएशन में जो फंड मैनेजर है, नई नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढेंगे, नए बिजनेस मॉडल्स कोई कंपनी एक तरीके से ला रही है। हम जैसे ओला उबर का एग्जांपल ले सकते हैं कि पूरा बिजनेस मॉडल ही नया था और उन्होंने पूरे सेक्टर का डायनामिक्स को ही चेंज कर दिया, कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो चेंज कोई कंपनी कर पा रही है तो भविष्य में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। ग्लोबल इवेंट, ये जब वायरस आता है तो मैक्सिमम वर्क फ्रॉम होम शुरू हो जाता है, तो जूम जैसी कंपनी जो है अचानक से लाइमलाइट में आ जाती है। नई टेक्नोलॉजीज जो है आज की तारीख में, आप यूपीआई पेमेंट को ही ले लीजिए, अब यूपीआई पेमेंट का बिल्कुल बोलबाला एक तरीके से पेमेंट के लैंडस्केप में हो गया है। चेक से रिलेटेड काम जो है वो बहुत कम हो रहा है, यानी कागजी काम जो है वो बैंक के बहुत कम हो गए हैं। आप देख सकते हैं, अपने सामने ही देख सकते हैं, कंपनी स्पेसिफिक इवेंट की, यानी कंपनी में कोई न्यूज आई और न्यूज आने से पहले जो फंड मैनेजर है उनकी एनालिसिस करके उन्होंने वो अंदेशा लगाया कि भविष्य में कंपनी अच्छा डिविडेंड दे सकती है, या बाईबैक ला सकती है, या फिर कंपनी का टर्न अराउंड हो सकता है, मतलब उनका सेल्स बढ़ सकता है, तो उसको आइडेंटिफाई कोई कर पा रहा है तो ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव रहेगा। सेक्टर डायनामिक्स एक अपॉर्चुनिटी, रेगुलेटरी चेंजेस है, जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल ले लीजिए कि गवर्नमेंट अभी पॉलिसी लेके आने वाली है, स्क्रैपेज पॉलिसी का एक एग्जांपल लीजिए जो बिल्कुल दिमाग में अभी आता है। तो स्क्रैपेज पॉलिसी अगर आती है भविष्य में तो फिर कुछ कंपनियों को बिल्कुल फायदा हो सकता है। तो ये सब चीजों का जो अंदेशा लगा सकते हैं फंड मैनेजर्स, ये सब हमने अपने से ही एग्जाम्पल्स बताए हैं दोस्तों, तो ये सब अपॉर्चुनिटीज रहती है। ये है कुछ भविष्य के बिजनेस पोटेंशियल। ऑनलाइन फूड डिलीवरी है, आज भी जोमेटो बहुत बड़ा नाम है, शेयर्ड मोबिलिटी है, ई कॉमर्स का लॉजिस्टिक्स है, ऑनलाइन एजुकेशन है, ई कॉमर्स रिटेल है, अनऑर्गेनाइज रिटेल यानी जो किराना दुकान भी जो है वो किराना दुकान तक सीमित नहीं रह जाएंगे, वो डिजिटल हो जाएंगे। जो पेमेंट है हम आज भी देख पा रहे हैं, पेटीएम या गूगल पे से ही वो पेमेंट कर रहे हैं, तो ये तरीके से ट्रेंड हो रहा है। रिन्यूएबल पावर है, जितना हो सके जो इलेक्ट्रिसिटी जो है रिन्यूएबल पावर, चाहे वो विंड एनर्जी हो, उसके उसके थ्रू में होगा। ओटीटी का बिल्कुल चल ही रहा है आज की तारीख में, हम यहाँ पर डिज्नी देख सकते हैं, या अमेजन के जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है वो देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स है, तो इन सब ने पूरा एक इंडस्ट्री को ही रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। ऑनलाइन गेमिंग है, ये सब भविष्य में बिजनेस पोटेंशियल जो हो सकते हैं। अब
फंड का पोर्टफोलियो कैसे बिल्डअप होगा वो डिसरप्शन वाली कंपनियों को फाइंड आउट करेंगे। अब डिसरप्शन में भी तीन पार्ट है, एक है कुछ कंपनियां एडेप्टर होती है, कुछ इनेबलर होती है, कुछ डिसरप्टर होती है। डिसरप्टर में जैसे रिलायंस जियो हो गया या उबर हो गया, जिन्होंने पूरी की पूरी इंडस्ट्री को ही चेंज कर दिया, तो ये डिसरप्टर्स होते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंपनियां इंडिया की ही नहीं होंगी, ऐसा नहीं है, अप टू 30% ग्लोबल डिसरप्टर्स भी होंगे, यानी इंडिया से बाहर भी के भी कुछ नाम आपको इस फंड में देखने मिल सकते हैं। ऐसी कंपनियां जो इंडिया से बाहर लिस्टेड है, वैसे नाम भी अगर आपको देखने यहां पर इस फंड में मिल सकते हैं। और इसके अलावा इवेंट बेस्ड कोई कंपनी में जैसे कुछ न्यूज आ रही है जो हमने आपको थोड़ी देर पहले, तो वैसा कुछ फंड मैनेजर देख पा रहे हैं, कोई टर्न अराउंड स्टोरी देख पा रहे हैं जिसका न्यूज भविष्य में आ सकता है, तो वैसा फंड जो है ऐसे स्टॉक लेने की कोशिश करेंगे, ऐसे स्टॉक लेने की कोशिश करेंगे जहां पर सेक्टर डायनामिक्स ही है जो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, ऐसी कंपनियां जो ऐसा कर सकती है। तो ये सब जब भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो जो फंड है ऐसे स्टॉक्स को लेगा। अब इस फंड के बारे में बेसिक चीज आपको बता दें, देखिए ये एक्सिस स्पेशल सिचुएशन फंड थीमेटिक फंड है, ये समझना बहुत जरूरी है। थीमेटिक और इससे रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं, फंड निफ्टी 500 टीआरआई इंडेक्स को बीट करने की कोशिश करेगा, यानी ये इसका बेंचमार्क है। फंड का जो एनएफओ है 4 से 18 दिसंबर के बीच में है, और फिर जब फंड की जो शुरुआत होगी तो उसके बाद, ये ओपन एंडेड फंड है तो आप बाद में भी इसको खरीद सकते हैं, बट ये 14 दिन का आप देख सकते, 4 से 18 तारीख इनफैक्ट प्रिसाइसली ये इसका एनएफओ का पीरियड है। और ओवरसीज का जो इन्वेस्टमेंट है जो हमने आपको बताया 30% तक ओवरसीज इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वो श्रॉडर इन्वेस्टमेंट जो है वो एडवाइज करेंगे फंड को। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए है, मैं फिर से आपको बता दूं, ये हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए है। कोई ऐसे इन्वेस्टर है जो स्टेबल स्टडी फंड में या स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये उनके लिए ये फंड बिल्कुल नहीं है। इसीलिए यहां पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले, यहां पर फंडामेंटल या जो टेक्निकल जो भी एनालिसिस करते हैं उसका बहुत ही लिमिटेड इंपैक्ट रहेगा। हो सकता है किसी कंपनी का फंडामेंटल अच्छे ना हो, टेक्निकल भी अच्छे ना हो, लेकिन फंड मैनेजर ने वो स्टॉक ले लिया हो ये सोच के कि 6 महीने के बाद वो इवेंट होगी या ऐसा कुछ न्यूज आएगा जिसकी वजह से स्टॉक 4 गुना 5 गुना 10 गुना हो जाएगा। तो यहां पर फंडामेंटल टेक्निकल भी काम नहीं करेंगे, ऐसे स्टॉक जो शायद आप सोच भी नहीं सकते अपने फंडामेंटल के हिसाब से, लेकिन ये फंड मैनेजर साहब इसको लेके बैठे, ऐसा हो सकता है। अब इसमें रिस्क ये है कि वो इवेंट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। अब जैसे हमने आपको बताया कि कोई इवेंट का अंदेशा था, नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो स्टॉक हो सकता है बढ़ने की बजाय गिर भी सकता है, तो इसीलिए रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा। और थीमेटिक फंड में दोस्तों रिस्क बहुत रहता है, जैसे आप लार्ज कैप के फंड लेते हैं या मिड कैप के फंड लेते हैं, उन सब जो भी फंड्स हैं उनके कंपैरिजन में ये थीमेटिक फंड्स रिस्की होते हैं, वो चीज को आप जरूर ध्यान में रखें। लेकिन हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न का भी एक्सपेक्टेशन होता है, तो वो भी होगा अगर फंड मैनेजर साहब ने कुछ ऐसे 4-5 ऐसे कंपनियां ढूंढ ली जो बिल्कुल ही चेंज कर दे रही है पूरे जो मार्केट को, तो फिर तो वैसी कंपनियां तो 5 गुना 10 गुना भी रिटर्न दे सकती है। तो इसीलिए हाई रिस्क यहां पर है, रिटर्न जो है वो भविष्य की बात है कि कैसा रिटर्न आता है, तो वो चीज को आप जरूर ध्यान में रखें। अपना एसेट एलोकेशन जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं वो बिल्कुल अपने पास बिल्कुल समझ के रखें। अगर आपके पास 20 लाख रुपए हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको 10 लाख रुपए इस फंड में डाल देना है, और इस फंड में तो उस हिसाब से रिस्क बहुत ज्यादा ही है, तो बहुत ही सोच समझ के ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के बाद ही आपको यहां पर इन्वेस्ट करना है। तो उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी दोस्तों वीडियो से, आपने अपना समय दिया, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और वो बेल वाला बटन है जरूर दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद आपके समय के लिए।